हाय फ्रेंड्स, मैं ज्योति यावले मेरी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जानिए नेटवर्किंग की ताकत। इसका पहला पार्ट मैंने यूट्यूब पर डाला है, उसमें मैंने चार बातें बताई थी। पहली बात थी, इस बिजनेस को करने के लिए पैसा नहीं लगता है। दूसरी बात, इस बिजनेस को करने के लिए जगह नहीं लगती है। और तीसरी बात, ये बिजनेस आप ऑल इंडिया में कहीं पे भी लेके जा सकते हो, कहीं पे भी। और चौथी बात, इस बिजनेस से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चारों बातें सुनकर मुझे पता लगा कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हो। लेकिन मैंने जैसे चार बातें आपको पहले बताई, उसके साथ मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने इसके आगे क्या करना है, ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो आज मेरा ये सेकंड पार्ट प्रेजेंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको मैं 7P बताऊंगी कि जिसको आपको स्टडी करना है। तो 7P क्या होते हैं? फर्स्ट पी आता है प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, सेकंड पी है प्रोडक्ट्स, थर्ड पी है प्राइस, फोर्थ पी है प्लान, 5P है पीपल, 6P है पोजीशन, 7P है पे आउट। फ्रेंड्स, फर्स्ट पी पर अगर हम फोकस करते हैं, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा। कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स है क्या? अगर आप स्टडी करते हो तो क्या स्टडी करोगे? तो उसमें आपको ये स्टडी करना है कि कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स है क्या, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग खुद का है क्या, कंपनी को कितने साल हुए हैं। ये कुछ बातें आपको स्टडी करनी है। उसके बाद सेकंड पी है प्रोडक्ट। तो कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट पर काम करना है, प्रोडक्ट बेस पे अगर काम करना है तो आपको प्रोडक्ट को स्टडी करना होगा। क्यों? क्योंकि हम जहां कहीं भी अगर बिजनेस करने जाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के बारे में उनको बताना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो प्रोडक्ट पे आप काम करते हो, वो प्रोडक्ट की मार्केट में नीड क्या है। वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसकी डिमांड होनी चाहिए मार्केट में। उससे क्या होगा, प्रोडक्ट रिपर्चेस होगा और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। हम थर्ड पी पर आते हैं, प्राइस। इसमें प्राइस का भी वैल्यूएशन होता है। जिस प्रोडक्ट पर आप काम कर रहे हो उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। प्राइस अगर एकदम लोअर है तो उधर से भी लोग सोचते हैं कि नहीं भाई, सस्ता है, कोई दम नहीं है। और प्रोडक्ट अगर ज्यादा महंगा है तो सोचते हैं नहीं भाई, ज्यादा महंगा है, हम नहीं ले सकते। तो हमें प्रोडक्ट के बारे में सोच, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में सोचना है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, जो लोअर क्लास भी उसको मैनेज करे और मिडिल क्लास भी और हायर क्लास भी उसको ले सके। तो ऐसा प्राइस हमें देखना है। उसके बाद फोर्थ पी पर आते हैं, प्लान, जिसको लेकर आपको काम करना है। प्लान पैसा कमाने का रास्ता है। अब प्लान पर अगर हम फोकस करते हैं तो आज मार्केट में ढेर सारे प्लान हैं, लेकिन उसमें से दो प्लान मेन जाते हैं, जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान में आपको बताया जाता है कि आपको दो लोगों को लाना है, और जनरेशन प्लान में बताया जाता है कि आप कितने भी लोग ला सकते हो। आपको देखना है आपकी ग्रोथ कहां पे हो सकती है। जनरेशन प्लान आपको कंफर्ट जाएगा या जनरेशन प्लान जाएगा या बाइनरी प्लान जाएगा। आप कौन से प्लान में काम आसानी से कर पाओगे, ये आपको सोचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सोचनी है कि जनरेशन प्लान में इनकम ज्यादा है या बाइनरी प्लान में इनकम ज्यादा है, कम टाइम में इनकम कौन से प्लान में ज्यादा आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात आपको सोचनी है। तो प्लान को स्टडी करो,
और करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लान स्टडी किए बगैर आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। और कहीं पे भी अगर आपको बिजनेस लेके जाना है तो प्लान मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हमारा 5P है पीपल, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम जब भी इसको बिजनेस को करना चाहते हैं हम डायरेक्ट में कंपनी को जाके अटैच नहीं होंगे या कंपनी को हम ज्वाइंट नहीं करेंगे, हमें किसी के थ्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम जिसके थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं वो कौन है, वो कौन से लेवल पर है, वो इंसान क्या है। कभी कभी क्या होता है, ये सोचे समझे कोई हमें प्लान आके बता जाता है, हम ज्वाइन कर देते, वो बंदा क्या करता है, एक महीना रहता है, दूसरे महीने में दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है और हमें मुंह के बल गिरा देता है। ये बहुत बार होता है, इसलिए आपको उस पर स्टडी करना है कि वो कौन है, वो कंपनी में है क्या, कि कौन से पोस्ट पर है। हाँ, उसका पे आउट कम होगा तो चलेगा, लेकिन आपको उसके बारे में ये सोचना है कि वो आपको कितना सपोर्ट करेगा। क्योंकि जब भी हम कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, जो लीडर का काम होता है। वो हमारे लिए लीडर कैसा साबित होगा ये भी आपको देखना है। वो आपको जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको हेल्प करेगा क्या, ये भी आपको देखना है। क्योंकि शुरुआत में लीडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, कुछ दिनों के बाद आप खुद लीडर बन जाते हो, आपको जरूरत नहीं रहती है। और मैं भी आपको बताना चाहूंगी कि आपको अगर बिजनेस में खुद को ग्रोथ करना है तो खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखना है, क्योंकि दूसरों की उंगली पकड़ के आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। इसलिए खुद का खुद चलना सीखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं हमारे 6 पोजिशन पर, पोजिशनिंग। ये कंपनी का एक मेन पार्ट है कि आपको उसको स्टडी करना है, कंपनी प्री लॉन्चिंग में है या कैसे है। हाँ, प्री लॉन्चिंग में अगर कंपनी है तो आपको बड़े बड़े ऑफर देंगी, उस ऑफर में ना फंसते हुए आपको स्टडी करना है। उसके बाद कंपनी को 12 साल हुए, 15 साल हुए, कितने साल हुए, या पहले 2-3 साल में शुरुआत में कंपनी है क्या है। कुछ कंपनी शुरुआत में चालू जब होती है तो 100 कंपनी चालू होती है, लेकिन 95% दम तोड़ देती है शुरुआत में। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के रूल फॉलो नहीं करती है, उसके बाद प्रोडक्ट में दम नहीं होता है, ऐसे कुछ वजह से कंपनी दम तोड़ देती है। इसलिए आपको ये बात भी स्टडी करनी है कौन सी भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले। 7P पर आते हैं, लास्ट भी हमारा है पे आउट। कंपनी पे आउट कैसे देती है, जिसके लिए हम काम करने वाले हैं, जिससे हमारे सपने पूरे होने वाले हैं, तो कंपनी पे आउट कैसे करती है हमें देखना है। कंपनी कभी कभी हफ्ते में करते हैं, डेली में करते हैं, महीने में करते हैं, कैसे करते हैं। और ये देखना है कि पहले कंपनी पे आउट कितने लोगों को कर चुकी है, उसमें रेगुलेशन है क्या कंपनी का, ये सभी बातें आपको स्टडी करना है। ये हमारे 7P थे। और जब आप ये 7P पर स्टडी करोगे और कंपनी ज्वाइन करोगे, आप सही में बोल रही हो, आप कहीं पे भी गिरोगे नहीं। जब भी हम मार्केट सर्वे करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना कि हम कभी भी क्या होता है कि सोचे समझे जब भी बिजनेस डालते हो सकता है मुंह के बल गिर जाए, लेकिन सोचे समझे अगर हम चलते हैं तो बहुत सही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सेकंड पार्ट में ये 7P पर आप स्टडी करिए, तब तक मैं आपके लिए थर्ड पार्ट लेकर आऊंगी कि ये स्टडी करने के बाद आपका थर्ड पार्ट क्या होगा, थर्ड स्टेप आपकी क्या होगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये बातें आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, बाय।